साइक्लोपीडिया के मोजिस दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि खुश्की पर रहने वाले जानवर पानी के अंदर रहाइश अख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि सांस लेने के लिए इनके फेफड़े होते हैं और फेफड़े हवा से ऑक्सीजन तो जज्ब कर सकते हैं लेकिन पानी से नहीं। मगर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि वाटर स्पाइडर ना सिर्फ मुस्तकिल तौर पर पानी में घर बनाकर रहती है बल्कि वहीं से गजा हासिल करती, अंडे देती और वहीं इसके बच्चे परवरिश पाते हैं। समीनो हजरात, पानी में रहने वाले जानवरों के अजा की खास बनावट होती है। अक्सर अभी मखलूक जिंदा रहने के लिए पानी में हलशुदा ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है। बाज़ मछलियाँ मसलन वहेल थोड़े थोड़े अरसे से सतह पर आकर सांस लेती हैं। जानवरों की एक खास किस्म जिसे जलथले कहते हैं पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं, लेकिन ये भी हवा में सांस लेते हैं। इंसान बगैर गोताखोरी के मुनासिब आलात के पानी में ज़्यादा देर नहीं रह सकता। खुश्की का जानवर अगर कुएं, तालाब या दरिया में गिर जाए तो डूब कर मर जाता है, लेकिन कुदरत के बास काम ऐसे न्यारे हैं कि इसके सामने सारे के सारे मरवाजा असूल धरे के धरे रह जाते हैं। समीनेग्रामीपन मकड़ी को अपने जिस्म की बनावट के लिहाज से खुश्की पर रहना चाहिए था, लेकिन ये ना सिर्फ बहुत अच्छी तैराक है बल्कि मुस्तकिल तौर पर तालाबों में घर बनाकर रहती है। जाहिर है कि इसके गलफड़े नहीं होते, यानी ये पानी से ऑक्सीजन जज्ब नहीं कर सकती और इसको जिंदा रहने के लिए ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। इसके लिए इसने एक मुनफरद निज़ाम किया है। ये आम मकड़ी की तरह जाला बनाने की बजाय एक थैला बुनती है जिसमें सांस लेने के लिए हवा भरती है। इस थैले को पानी में उगने वाले किसी पौधे के साथ चिपका देती है। थैले में हवा भरने का तरीका भी इसका बड़ा नड़ाला है। दरअसल इसके जिस्म के निचले हिस्से पर बारीक लेकिन बहुत घने बाल होते हैं जिसके दरमियान हवा ठहर सकती है। ये पानी की सतह पर जाकर बालों के गुच्छे में हवा भर लेती है, फिर पानी में वापस आकर यह हवा थैले में खारिज कर देती है। इस तरह कई बार ये अमल करने से थैला ताज़ा हवा से भर जाता है। इसके बाद कुछ अरसे तक ये अपने रेशमी घर में आराम करती है। जब थैले की हवा में ऑक्सीजन ख़त्म होने लगती है तो मकड़ी इसे दोबारा ताज़ा हवा से भर लेती है। समीने मोहतरम पन मकड़ी पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े, छोटे मेंढक और मछलियां खाती है। जब कोई बदकिस्मत कीड़ा इसके घर के करीब से गुजरता है तो ये बाहर आकर इसे पकड़ लेती है और फिर पानी के अंदर ही मौजूद अपने घर में ले जाकर इसे खाती है। वाटर स्पाइडर एक छोटे साइज की मकड़ी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलीमीटर तक होती। आम मकड़ियों के बरखिलाफ इसकी मादा नर से मोटी होती है। मादा एक दूसरी सफ़ेद रेशमी थैली तैयार करके इसमें अंडे देती है। बच्चे इसी थैली में निकलते, बड़े होते और फिर पानी में ही अपने अलग अलग घर बनाकर रहते हैं। दोस्तों, वाटर स्पाइडर के बारे में आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आप कैंगरू की तरह थैली रखने वाले मेंढक के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।